आगरा जनपद में कैंट जीआरपी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी जब दो गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुरलेटिंग एरिया के 3 सेंट से हुई गिरफ्तारी। 6 किलोग्राम नाजायज अवैध गांजे के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यह आरोपी विशाखापट्टनम से दिल्ली तस्करी कर गांजा ले जा रहे थे। जीआरपी और आरपीएफ पहले भी कई गांजे तस्करों को जेल भेज चुकी है। कैंट की टीम और सर्विलांस जीआरपी आगरा की टीम ने मिलके यहाँ आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में जो टीन शेड है उसके पास से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लगभग 6 किलो नाजायज गांजा बरामद हुआ है। इनके नाम अजय और सत्येंद्र कुमार हैं। इसमें जो अजय है वो सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है, सत्येंद्र यूपी का रहने वाला है, जनपद बदायूं का। ये लोग दोनों दिल्ली में रहते हैं और ये विशाखापट्टनम से एपी एक्सप्रेस से गांजा लेकर आए थे। पूर्व में भी जेल जा चुके हैं? नहीं, पूर्व में अभी इनकी जानकारी नहीं है जेल जाने की। बाकी हम लोग संबंधित थाना जो इनके जनपद का है वहाँ से जानकारी कर रहे हैं और पूर्व में, लेकिन ये विशाखापट्टनम गांजा लेने गए हैं। ये इनके द्वारा इसकी कितनी कीमत बरामद गांजे की कीमत लगभग 60,000 रुपये है।